हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा चैनल, आपका चैनल और हम सबका चैनल। आज की शुरुआत हुई है बहुत ज़्यादा छींकों के साथ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है। गर्मियों में कोल्ड हो गया है, पता नहीं क्या, कैसे, क्यों, बट हो गया है। दवाई खानी पड़ेगी। कल रात को तो मैंने अवॉइड की कि दवाई नहीं खाता, उसके बिना ही ठीक हो जाएंगे, बट ज़रूरत लग रही है दवाई खाने की। नाश्ता करते फिर दवाई खाते। आई होप ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो। बाकी हर हर महादेव। व्लॉग नहीं रुकेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट, चाहे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चाहे कम हो, ट्राई करूँगा कि ना हो, व्लॉग ना रुके। Okay guys, let's see, आज नाश्ते में क्या है। ये है कुछ ब्रेड्स हैं, साथ में मेरे लिए ऑमलेट है। चाय तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जुकाम भी लग रहा है, तो चाय तो पीनी है। वैसे भी चाय तो बनती है, नाश्ते के साथ तो ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो बस चले तो लंच के साथ भी चाय बन जाए। मम्मी भी चाय के शौकीन हमारे यहाँ पे। अब तो मैंने बहुत कम कर दी, पर क्या है कि गढ़वालियों में चाय बहुत चलती है। मैंने तो बहुत कम कर दिया, सुबह की चाय बंद कर दी। अब एक ही बार चाय पीता, अदरवाइज तो मैं दो तीन बार पीता था। अब सिर्फ वन टाइम, नो मोर टी, नो मोर शुगर। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। लो जी, चटनी भी खत्म हो गई। वाह वाह वाह, चटनी बनेगी आज नहीं तो कल। फिलहाल तो मम्मी जा रही है नाश्ता करा के किसी पार्टी में। ठीक है तेरी? क्या हुआ, बुखार हो गया? बुखार, ठंडी हो गई, ठंडी लग गई। बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। दवाई खिला दो। दवाई खिला दादी, कहाँ जा रहे हो? अबे यार, गाइस आज का व्लॉग पता नहीं क्या बन रहा है, बस बन रहा है। मैं तो तब से लेटा ही हुआ हूँ दवाई खा के। भाई ने दवाई खिला दी थी, कोल्ड में इतनी हालत खराब हो जाती है कुछ नहीं पता लगता। कुछ ना पी रहा ठंडा, दुनिया पी रही। आप भी पी रहे थे तो? नहीं, नहीं, आप भी पी रहे? नहीं, धरा तो हुआ। अब कहाँ जा रहे हो? चलो भाई, बत्ती बंद कर दी दादी ने, तो सोचा ब्लॉगिंग करता हूँ या बत्ती बंद कर दी, सिस्टम है। बाय बाय। ओके गाइस, फीलिंग लिटिल बेटर, दवाई खा ली थी। सुबह से बस यही लेटा हुआ उसी बेड पे, यही खा रहा हूँ, यही पी रहा हूँ, यही सो रहा हूँ। मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो एक काम करते हैं, चाय बनाते हैं सबके लिए और चाय पीते हैं। हेल्थ रिपोर्ट, फीलिंग बेटर। शेर आदमी है भाई, ज्यादा देर नहीं रुक सकते बेड पे। हालत देखो कैसी होगी, पर जस्ट लुक एट माय फेस। लो जी गाइस, मम्मी आ चुकी है किटी पार्टी से और पहन ली अपनी इंटरनेशनल ड्रेस जिसमें सुबह शाम नजर आते हैं। ये कंफर्टेबल होती है ना भाई, इसलिए पहनते हो आप, है ना? हाँ, तो आराम रहता है इसमें। इसमें क्या, अभी मच्छर काट गया आपको? मच्छर ने खा गया। मेरी तबीयत खराब है, पूछ तो लो क्या हो गया। मैंने आते ही पूछा है कैसा है तू। कैसा है तू? बुखार तो लग रहा है। हाँ, जस्ट टीम ले ले।
क्या हुआ? स्टीम ले ले जा। क्या हुआ? फीवर हो रहा है, जा स्टीम ले। ये सब बच्चों को होता है, हमें नहीं होता। बेकार की बातें मत कर बेटा, जाके स्टीम ले, चल। ये स्टीम ले, तबीयत इसकी खराब हो गई, अपना भी ले। ये तो हमारे घर में हुआ है सिस्टम, इसकी तबीयत खराब है, अपना उबालो पानी। स्टीम ले 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 ले, ये नहीं करके दो। पर आया तू तो? कुछ नहीं है। हाँ। नॉर्मल है ऐसे। करना ही वरी। घूमने जाना होगा ना? क्या? इसलिए अभी नॉर्मल हो रहा है। बच्चे ये। आज विराट कोहली बहुत मार रहा है। चल अपने दवाई खा, सो जा, एक रोटी और खा। कसम से कह रही हूँ बेटा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं बेटा नहीं, ये देखिए कितना तफरत है। मजाक नहीं लेते सेहत को, सेहत सबसे पहले है, बाकी चीजें बाद में, समझ गया? शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो फिर क्या कर लेगा तू? कौन सी पार्टी में जा सकता है फिर? पार्टियां भी नहीं अच्छी लगती बिना तबियत ठीक ना हो तो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चल स्टीम ले लो, चलो मैं पानी गर्म कर लू थोड़ी। ठीक हूँ। अब राजा बेटा को हम स्टीम दिलाएंगे, ये पानी गर्म हो रहा है। राजा बेटा स्टीम लेगा। राजा बेटा स्टीम लेगा तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगा। हालत खराब हो गई है जुकाम में, फीवर भी तो हो रहा है साथ साथ। ले ले स्टीम ले। ठंडा पानी मत पीना अभी कोई भी। हाँ इसको हमने मना किया था लेकिन इसने फिर भी पिया, सुनता नहीं है ना किसी की, अब क्या करें? अरे सुबह तो खुशबू तो आ रही थी उसकी, विक्स की। मैं तो तुझे कह रही थी कि पूरा डाल दे ले। अब आई है उफ। आ गई अब तेजी से। हाँ बहुत तेज लगी। हाँ इसकी अच्छी वो आती है। ले ले ढंग से ले ले, पूरी स्टीम ले, फिर दवाई वगैरह खा और सो जा। हाँ तो बुरा है, ले पकड़ खा और फिर चुपचाप सो जा। ब्लॉग एडिट कौन चाचा करेगा? कोई नहीं, कल थोड़ी देर से आ जाएगा। आराम कर ले, अब चलना, आराम पहले जरूरी है, पहले फिट हो जा फिर कर ले। आधा घंटे कर तो फिर सोता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आज मैं यहीं सो रहा हूँ मम्मी के साथ, पापा मेरे वाले रूम में चले गए। मम्मी ने बोला यहीं सो जा क्योंकि तबीयत का ध्यान रखेंगी, तो सही बोला उन्होंने। तो मैं बस एडिट करने जा, अब मैं बस एडिट कर रहा हूँ और आई होप कि हो जाए और सुबह व्लॉग हो जाए अपलोड। ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, दवाई खाई ली है, कल तक ठीक हो जाओ। हर हर महादेव। आप लोग भी ध्यान रखो अपना, तबीयत खराब मत करना। बाय बाय, टेक केयर, सेरी सभी और लॉट्स ऑफ लव। अगले व्लॉग में कोशिश रहेगी फुल एनर्जी के साथ मिलूँ आपको। हर हर महादेव, हैव अ गुड डे।